नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। अमेरिका ने चीन में बाढ़ समेत अन्य राजनीतिक गतिविधियां कवर करने वाले विदेशी पत्रकारों से चीन के बर्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई है। अमेरिका का कहना है कि चीन एक तरफ अपने यहां पर विदेशी मीडिया के स्वागत का दिखावा करता है, वहीं दूसरी तरफ पत्रकारों को धमकियां दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट पेगासस जासूसी मामले में सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, जहां पत्रकारों द्वारा दायर इस याचिका में पेगासस जासूसी कांड की अपनी मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश से स्वतंत्र जांच कराने के निर्देश देने की मांग की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 48.3 करोड़ से अधिक वैक्सीन के खेप पहुँचाए जा चुके हैं। एक बार फिर से लगातार तीसरे दिन भी बढ़े कोरोना के मामले, जहां पिछले 24 घंटे में 44,000 नए केस दर्ज हुए, वहीं केरल में कोरोना संक्रमण के आधा से ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं। CBSE ने जारी किया 12वीं का परिणाम, जहां 12वीं कक्षा के परिणाम में लड़कों की तुलना में 0.54% लड़कियां अधिक उत्तीर्ण हुई। वहीं CBSE 12वीं के नतीजे बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट cbseresults.nic.in पर जारी किया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ ने स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं सहित उद्योग के साथ साझेदारी में COVID-19 टीकाकरण में तेजी लाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता किया है, ताकि टीकाकरण अभियान को और तेज गति दी जा सके। आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले के लंकावानी डिब्बा गांव से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां 6 प्रवासी मजदूर भीषण आग के हत्थे चढ़ गए। सभी को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस जांच में जुट गई है। कर्नाटक के CM बसवराज बोमई दिल्ली में आज PM मोदी से मुलाकात किए, वहीं कई केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी प्रमुख से भी मुलाकात करेंगे। संसद में आज भी पेगासस और कृषि कानून के मुद्दे पर हंगामा हुआ, जिस कारण राज्यसभा और लोकसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दो लड़कियों के सामूहिक दुष्कर्म मामले में चर्चा में हैं, जहां अपने बयान पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में मेरे बयान के संदर्भ को बाहर कर दिया गया। एक जिम्मेदार सरकार के मुखिया के तौर पर और एक 14 साल के बेटी के पिता के रूप में मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ। इस घटना का दर्द असहनीय है। यूपी के कौसाम्बी में अपर जिला जज पर हुआ हमला, गाड़ी में टक्कर मारने के बाद बदमाशों ने लूट का किया प्रयास, वहीं अपर जिला जज मोहम्मद अहमद खान ने हत्या के प्रयास का तहरीर दिया। बिहार के कटिहार से मेयर शिवराज पासवान की हत्या मामले में BJP विधायक कविता पासवान के भतीजे का नाम सामने आया है, जहां पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दिल्ली में कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करेगी। SP सिंह चौहान बने जालंधर इनकम टैक्स बार के नए अध्यक्ष और गुलशन कटारिया को सेक्रेटरी पद पर मनोनीत किया। हरियाणा के फतेहाबाद के गांव धाकर में चोरों ने एक साथ 8 दुकानों के ताले तोड़कर आभूषण समेत 6 लाख से ज़्यादा की चोरी की, जिससे व्यापारियों में असुरक्षा की भावना है। उत्तराखंड में 2 से अधिक संतान होने के मामले में उद्धम सिंह नगर जिले के नगर पंचायत केला खेरा के अध्यक्ष पद पर चुने गए हामिद अली की कुर्सी चली गई, जहां शासन के आदेश पर उन्हें पद से हटाया गया। झारखंड के जिला एवं सत्र न्यायाधीश 8 उत्तम आनंद को मारने के लिए इस्तेमाल किए गए ऑटो को पुलिस ने ग्रीडी से बरामद किया, वहीं धनबाद पुलिस ने ऑटो को कब्जे में लेकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित निलंबित ADG GP सिंह मामले में पुलिस ने राज्य के बाहर GP सिंह के ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। निलंबित GP सिंह की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली, उड़ीसा सहित अन्य राज्यों में दबिश दी जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस टीम को कुछ नहीं मिला। इंदौर के गांधीनगर में सिंडिकेट गोलीकांड के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कार्रवाई तेज कर दी है। हिमाचल के कुल्लू जिले के मणिकर्ण घाटी ब्रह्मगंगा नाले में आई बाढ़ में लापता विनीता का अब तक कोई सुराग नहीं मिला, जहां बेटी के कपड़े देखकर भावुक हुए उसके पिता।
उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले में खानपोरा ब्रिज पर आतंकियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की पार्टी पर ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान और 1 नागरिक घायल हो गए। तृणमूल कांग्रेस में लौटे मुकुल रॉय की विधानसभा सदस्यता दल बदल कानून के तहत रद्द करने के मामले में कोलकाता हाईकोर्ट व विधानसभा स्पीकर के समक्ष आज सुनवाई हुई। ओडिशा में ऑफलाइन मैट्रिक परीक्षा आज से शुरू हुई, जहां थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन कर परीक्षार्थियों को हॉल में जाने की व्यवस्था की गई थी। वहीं परीक्षार्थी मास्क पहनना जरूरी था। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि रश्मि शुक्ला ने फोन टैप की अनुमति लेते समय राज्य सरकार को गुमराह किया था। रश्मि ने बताया था कि महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें जांच करने के लिए कुछ फोन नंबर को इंटरसेप्ट करने की अनुमति दी थी। गुजरात हाईकोर्ट ने एक महिला पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। पारिवारिक विवाद के बाद इस महिला ने अपने बहू को सरकारी नौकरी से निकलवाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अशोक गहलोत ने कहा है कि सोनिया गांधी से बात किए बिना सत्ता और संगठन में बदलाव नहीं होगा। रनिंग और जॉगिंग को कोलेस्ट्रॉल कम करने में असरदार माना गया है। रनिंग करने में आपके गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL में बढ़ोतरी होती है और LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल तेजी से घटता है। साथ ही कैलोरीज को बर्न करने में भी रनिंग काफ़ी फायदेमंद है। खाना खाने के बाद अगर आप टहलते हैं तो ये भी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड में नॉन एग्जीक्यूटिव के पद पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट hurl.net.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। श्रीलंका के दौरे पर नियमित कप्तान विराट कोहली की गैर मौजूदगी में टीम की कमान संभालने वाले धवन ने तीसरे T20 के बाद मेजबान टीम के खिलाड़ियों के साथ बात की, जहां मैच के बाद श्रीलंका की पूरी टीम के खिलाड़ियों के साथ बात करते हुए उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक्टर आर माधवन ने कहा है कि ओलंपियन मीराबाई चानू को मणिपुर में उनके घर पर खाना खाते हुए देखकर उनके होश उड़ गए। माधवन ने फोटो रीट्वीट करते हुए लिखा, अरे ये सच नहीं हो सकता, मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।